हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको पार्सल डिलीवरी का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, इफ़ यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, शो दैट डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इक्वल्स टू माइनस नाइन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ u इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इस u को x के रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। ये देखो लॉग दिया तो वन अपॉन में आता है कि नहीं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और ऊपर बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करें अपन, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये थ्री एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ भी एक्स नहीं तो अपना जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, माइनस थ्री वाई जेड। ओके, वैसे ही जब मैं यहाँ पे निकालूंगा डेल यू अपॉन में डेल वाई, तो यहाँ पे सिमिलरली बताओ क्या आएगा आपका, यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड एक्स अपॉन में, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और फाइनली अपन जब निकालेंगे यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई अपॉन में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ओके, अब देखो मुझे करना क्या, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पूछा है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन जेड डेल जेड का होल स्क्वायर यू, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखता हूँ मैं, एल एच एस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस डेल अपॉन में डेल जेड का होल स्क्वायर यू, जिसके हम रिटर्न एज डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड यू। अब इस यू को जो मैं इंसर्ट करूँगा अंदर में, तो देखो ये एज इट इज़ आएगा, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे यू जब अंदर घुसे तो दिस विल बिकम डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, इसको आप मान लो वन। ओके, तो एक काम करते हैं अपन, पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास सेपरेट सेपरेट वैल्यू है, तो हम तीनों को ऐड कर लें आपस में। देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, देखते ये क्या आएगा आपका। यहाँ पे जो जो है सबको आप आपस में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे थ्री 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 थ्री, और ये देखो सब जगह पे थ्री दिया हुआ है, तो थ्री को अपन कॉमन निकाल लें। ओके, अब यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपस में कॉमन रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएंगी। देखो सेपरेट में कौन कौन रहेगा, यहाँ पे माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो नीचे में देखो आपको क्या दिया हुआ है, नीचे में देखो तीनों जगह क्या है, कॉमन कॉमन है ना, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट द सेम रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या देखो, तो ये इससे कैंसिल हुआ कि नहीं, तो वी आर लेफ्ट विथ थ्री अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो हमको फाइनली जो इसकी वैल्यू मिली, दैट इज थ्री अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, डेल यू अपॉन सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस डेल अपॉन में डेल जेड इसका होल स्क्वायर यू, दिस इक्वल्स टू
डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, ये अपना हो गया है। और यहाँ पे देखो अपन क्या लिखेंगे, ये जो था आपका है ना, इसको अपन क्या निकाले, ये निकाले कि नहीं, तो इसको अपन लिखेंगे 3 × x प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा है कि इसको अपन सेपरेट 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 सॉल्व करेंगे सबके लिए। तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। फिर यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लो, डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखो डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -1। इसको अपन ऐसे लिख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या आएगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व जब करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे 3 है ना, देखो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये अपना सामने आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा ये। और देखो ये आपको कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा, ठीक है, दैट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1। वैसे ही देखो अपना क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2। अब ऐसे इसको जब करोगे तो देखो अपना क्या हो जाएगा, ये -3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर -2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो सब क्या है, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे -3 प्लस -3 प्लस -3 दैट इज -9 अपॉन में, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यही है अपना क्या है, आर एच एस। ओके, तो देखो यही अपना जो है पूछा था क्वेश्चन में, दैट डी इज इक्वल्स टू -9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पे -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।